कहाँ जा रहा है हमारा देश और किस ओर बढ़ रहे हैं आज के युवा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज बढ़ती हुई नफरत का। विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया, जैसे कि स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, टीवी और सोशल मीडिया जैसी सुविधाएं दी, लेकिन हमने उनका क्या किया? आप अपना फोन उठाइए, फेसबुक चलाइए और उसको स्क्रॉल करिए, आपको हर पांचवी से छठवीं न्यूज़ फेक यानी झूठी या अफवाह या फिर नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी फैलाती हुई नजर आएगी। हम जिधर भी देखते हैं वहां हर तरफ नफरत ही नफरत नजर आती है। सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है जो विज्ञान ने हमें दिया, लेकिन क्या हमने उसका सही उपयोग किया? चारों तरफ अभद्रता, गालियां, अपशब्द, जो आज के युवा अपने जीवन को पॉजिटिविटी से जीना चाहते हैं उनके लिए भी अगर वो सोशल मीडिया चलाते हैं तो चारों ओर सिर्फ नकारात्मकता ही नजर आती है। ये क्या हो गया है? हम किस तरफ जा रहे हैं आज के युवा? हम किसी भी न्यूज को बिना उसका सच जाने, बिना उसको वेरीफाई किए फोन उठाते हैं और सीधा उस पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। और करें भी क्यों ना, फोन हमारा, उंगलियां हमारी, जो मन में आता है वही शब्द लिख देते हैं। कभी भी उसकी सत्यता को यानी उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश ही नहीं करते, किसी पर भी झूठे आरोप लगा देते हैं। सच को झूठा और झूठ को सच साबित करने में हमें 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। क्या ऐसा ही देश, क्या ऐसा ही समाज आप अपने लिए चाहते हैं जो झूठ और नफरत से भरा हुआ हो? कितना आसान होता है ना, फोन उठाइए, वीडियो बनाइए और किसी को भी क्रिटिसाइज कर दीजिए। किस ओर बढ़ रहे हैं हम? क्या यही हमारे जीवन जीने की सच्चाई है? और यही एक मुख्य मेन कारण है आज बढ़ते हुए तनाव का। आज लोग जमीनी हकीकत पर कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा जी रहे हैं। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी अच्छी है अगर उसको अच्छे रूप में उपयोग किया जाए, लेकिन अपने आप से पूछिए, क्या हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं? क्या हमारे उपयोग करने से समाज में शांति बढ़ रही है या नफरत बढ़ रही है? क्या आप जानते हैं आपके द्वारा फैलाई गई उस नफरत को, आपके द्वारा क्रिटिसाइज किए उस व्यक्ति को आप डिप्रेस्ड करते हैं, आप तनाव में लाते हैं और फिर वही आगे चल कर के सुइसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। और जब वो मरता है तो हम उसी सोशल मीडिया पर आकर के अपना दुख व्यक्त करते हैं और कहते हैं, काश काश उसने हमें अपना दुख बताया होता। उसने तो बताया था पर आपने सुना नहीं अपने नफरत के कारण। किसी ने बहुत सुंदर बात कही, बड़ी एकता देखी जमाने में, जिंदा को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। किसी के मरने के बाद उसे प्रेम दिया तो क्या दिया? असली मानवता तो वो है जब हम जिंदा हैं तब हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के कदम से कदम मिला करके चले। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आप देख रहे हैं जीवन कितना छोटा है। जहां हम आराम से हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे, वही अगले ही पल एक महामारी आई और पूरे विश्व को उसने रोक दिया। इससे हमें समझ आता है लाखों लोग मारे जा रहे हैं। इस समय भी अगर हम नहीं समझे तो कब समझेंगे? कब हम अपनी जिम्मेदारी को उठाएंगे? इस महामारी ने हमें सिखाया, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब केवल शरीर से दूरी बनाइए, मन से एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। मेरा निवेदन है आप सभी से, कुछ ऐसा करिए जो समाज में प्रेम बढ़े, कुछ ऐसा करिए जो समाज में शांति बढ़े, कुछ ऐसा करिए जो समाज में एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़े। बढ़ते हुए तनाव को, बढ़ते हुए डिप्रेशन को रोका जा सकता है, लेकिन वो तभी रुकेगा जब हम एक साथ आगे बढ़ेंगे,
जब हम नफरतों को, जब हम टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग करना बंद करेंगे। इंडियन एम्बेसडर सुरप्रीत कौर जी ने एक बार कहा था, इफ डस्ट इज वॉट वी मस्ट ऑल बिकम, नो मैटर द कास्ट और रिलीजन, इफ दैट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, व्हाई कांट वी रीच देयर इन पीस? Why we only have to rest in peace? Why can't we live in peace? जब कोई मरता है तो हम एक शब्द का उपयोग करते हैं, रिप, यानी रेस्ट इन पीस। लेकिन वो कहती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम मृत्यु से पहले भी पीस यानी शांति से रहे? हमेशा मरने के बाद ही रेस्ट इन पीस क्यों कहा जाता है? हम शांति में जी क्यों नहीं सकते? प्लीज स्टॉप दिस, बंद करिए, चारों तरफ सकारात्मकता फैलाइए, चारों तरफ शांति का संदेश दीजिए।